तो भाई जब मैं सो रहा था मेरा फोन बार बार बज रहा था, जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रही थी, तो मैं मोबाइल फोन को काट के सो जाता था। थोड़ी देर में फिर मेरा मोबाइल फोन बजने लगा, तो भाई मुझे इतनी ज्यादा इरिटेशन हो कि मैं मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके ही सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मेरा एक ऐसा फोन बजा जिसे ना तो मैं काट सकता हूँ ना ही मैं स्विच ऑफ कर सकता हूँ। मजबूरी में वो फोन मुझे उठाना पड़ा। जब कॉल उठाया, दूसरी साइड पे मेरी एक महिला मित्र थी जिसको मैं कल रात वादा करके सोया था कि आज तुम्हें जूडियो ले जाकर शॉपिंग कराऊंगा। लेकिन मैं उस बात को, बीते 12 घंटे हो चुके थे इसलिए मैं सो गया और मैं भूल गया। लेकिन याद रखना भाई, जब आप किसी महिला मित्र को वादा करो तो भूलना कभी मत, क्योंकि वो सिर खा जाती है, जान खा जाती है। अब हुआ कुछ ऐसा, दोपहर 2 बज रहे थे और मेरा फ़ोन बार बार बजने की वजह से इरिटेशन से मेरी नींद तो खुल गई थी, लेकिन मैं सो भी नहीं पा रहा था और मैं उठना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब मजबूरी में एक ऐसा फ़ोन बजा जिसको मुझे उठाना पड़ा। जी हाँ, मेरे पास 2 नंबर है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास एक नंबर है सबके लिए और एक नंबर है कुछ खास यारों के लिए। तो भाई दूसरा नंबर था जिसे मैं कभी स्विच ऑफ नहीं कर सकता, अब उठाना पड़ा। तो मेरे को बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिली कि मैंने उनको बोला था लेकर जाने के लिए, अब तुम्हारा भाई घर से तैयार होकर निकल तो लिया है लेकिन पहले जाएगा अपनी महिला मित्र को पिक करने के लिए, उसे वहाँ से उठाएगा और फिर जाएंगे हम लोग आज शॉपिंग करने जूडियो के स्टोर। उठाने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कंधे पे उठा कर लेके जाऊंगा, मैं बस उनको अपने पीछे पीछे लेकर आऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाइक से और वो आएंगे एक्टिवा से। अब तुम ये भी कह सकते हो कि हम एक ही बाइक से जा सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल बाइक से जा सकते हैं, पर एक दिक्कत है, मेरे पास KTM RC है और KTM RC की दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि भाई उसमें आप एक बंदा जरूर बैठा सकते हो लेकिन कभी भी उस बाइक पे सामान ढो नहीं सकते, इसीलिए उनको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो भाई मजबूरी में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना व्हीकल लेके जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब देखो मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, तो रेड लाइट पे खड़े खड़े मेरे दिमाग में एक बात आ रही है और वो बात ये है कि भाई रेड लाइट पे लोग रुकते क्यों हैं। फिर मेरा ध्यान गया सामने जो नंबर चल रहे थे, सेकेंड चल रहे थे, कि हम इसलिए रुकते क्योंकि दूसरा साइड का रोड भी तो खाली होना चाहिए। तो जब रेड लाइट होती है तो एक साइड के लोग रुक जाते हैं और उसी भीड़ में मैं भी खड़ा हूँ। खैर जोक्स पार्ट, अब बारी आती है, हम निकल तो लिए थे, मतलब मैं पर्सनली घर से निकल तो लिया था, अब मैं जा रहा था अपनी दोस्त को पिक करने के लिए, फिर उसे वहाँ से उठाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, उसको पिक करने से बेहतर है मैं उसको लोकेशन सेंड कर देता हूँ। तो फिर मैंने उसे लोकेशन सेंड करी और मैं फटाफट से जा रहा हूँ जूडियो के स्टोर। और दिन मैं क्या करता था, शॉर्टकट से निकलता था और अपने घर से 10 मिनट के अंदर जूडियो पहुँच जाता था, लेकिन आज फोटो ब्लॉग शूट करना था जिसके लिए मुझे घर से दूर से, क्योंकि फिर बाय रोड मुझे निकलना था, मैं गांव के बीच में से नहीं जा रहा था इसलिए मुझे बाय रोड जाना था, तो मैं दूर से थोड़ा होके जा रहा हूँ। और बीच में मेरी फ्रेंड मुझसे पहले पहुँच गई है तो वो मुझे कॉल लगा रही है बार बार कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो। उसे लग रहा है शायद मैं उसे अभी भी गोली दे रहा हूँ, पर डेफिनेटली उसे अभी गोली नहीं दे रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा यहाँ से जूडियो के स्टोर, जो कि मेरे यहाँ से और करीबन 10 से 15 मिनट दूर है। और निकलते निकलते मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आई कि मैं जूडियो ही क्यों जा रहा हूँ। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, जूडियो 2017 से स्टेबलाइज है, 16 या 17 से, लेकिन मैं कुछ 1.5 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ। और आप अपने शहर में जहाँ भी रहते हैं, अगर आप चाहते हैं जूडियो से शॉपिंग करना, तो आप ज़रूर नियर बाई मी में जाकर लोकेशन लाइक गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं जूडियो स्टोर नियर बाई मी। वहाँ पे आपको सबसे महंगी से महंगी चीज़ें अगर आपको चाहिए सर्दियों की, तो 999 में ख़त्म हो जाती है, यानी कि जूडियो एकमात्र ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको 999 से ऊपर का कोई आइटम नहीं मिलेगा सर्दियों का, अगर आपको चाहिए तो। तो डेफिनेटली आज मैं भी जा रहा हूँ तो ढेर सारी शॉपिंग मैं भी करने वाला हूँ, और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जो शॉपिंग करी है उसकी क्लिप्स भी थोड़ी ऐड ऑन कर दूंगा। और 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे सही लगती हैं जूडियो की, खासकर डेनिम, वहाँ की बहुत बढ़िया 999 में डेनिम मिल जाती है, जो कि आपको इजीली सरोजनी नगर और करोल बाग से भी मिल जाती है 600-700-800 की। इससे अच्छा अगर 800 की 700 की तुम्हें स्टोर से वहाँ बाहर से लेनी है तो फिर 1000 की आप जूडियो से भी ले सकते हो, क्योंकि उसका कपड़ा तो फैब्रिक तो ब्रांड है भाई, और फिर टाटा का ब्रांड है तो ट्रस्ट तो बनता है। टाटा की गाड़ियाँ कितनी सॉलिड है ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही टाटा का कपड़ा भी बहुत सॉलिड है, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा फेवरेट ब्रांड हो गया है। और नॉर्मली जो शॉपिंग्स हैं वो आप देखोगे कि किस तरीके से कर सकते हो, तो भाई बड़े किसी ब्रांड में घुसोगे तो 4-5 हज़ार से नीचे की कोई जैकेट आपको मिलेगी नहीं। पर जूडियो में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको 999 से ऊपर का कोई सामान मिलता नहीं है, खासकर मेंस वियर में और विमेंस वियर में। और सबसे बढ़िया चीज़ है, शूज़ वहाँ के स्टार्ट हो जाते हैं 299 से, मतलब आप समझो कि एक शूज़ की क्वालिटी 299 में क्या ही मिलती होगी। सदर बाजार पटरी में भी 299 का कोई शूज़ नहीं मिलता है, 350 से ऊपर के सरोजनी में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जूडियो में मिल जाता है 299 का। तो ये रेंज है, बाकी मैं पहुँच कर देखता हूँ कैसा क्या है। और अभी मेरा फ़ोन दूसरा बार बार बज रहा है तो मैं एक बार उसे निपटा लूँ, उसको बता देता हूँ मैं अगले 5 मिनट में उसके पास पहुँचने वाला हूँ। We'll be right back.
भाई पता नहीं इनके स्कैनर में क्या दिक्कत आ रही थी, मेरे को भेज तो दिया। बाकी यहाँ पे ना पेपरलेस वो है, बात नहीं है, आपका पेपर ऊपर लगेगा नहीं, कुछ भी आपको देना नहीं है। पर हाँ यहाँ पे 10 रुपये लगते थे पहले पार्किंग के, 20 रुपये कर दिए हैं, पता नहीं क्यों बढ़ा दिए हैं। पर 20 रुपये भी ठीक है भाई, किसी मॉल में 20 रुपये की पार्किंग मतलब क्या है, समझ रहे हो, बहुत सस्ता रेट है। अदरवाइज MGF मॉल है, वहाँ पे 50 रुपये की पार्किंग है। तो तुम्हारा भाई जैसे वैसे पहुँच गया है भाई। एक बार की कहानी बताता हूँ मैं आपको, ऐसे पार्किंग में फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी लेके गया था गुड़गांव MGF मॉल, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम पार्किंग लेके गया, गाड़ी लगा तो दी और तुम्हारा भाई उसके बाद निकल गया पार्किंग लगा के। भाई यकीन मानो सारे काम ख़त्म करके, शॉपिंग वगैरह करके 2-3 घंटे लग गए पार्किंग में वापस अपनी गाड़ी ढूंढने में, क्योंकि मैंने गाड़ी कहाँ लगाई थी ये पिलर नंबर नोट करना मैं भूल गया, और उसके बाद जमाना लग गया था मुझे ढूंढने में। उसके बाद से तुम्हारे भाई ने सीख तो लिया, पार्किंग जहाँ लगाओ ये चीज़ें नोट कर लो, क्योंकि कई कई फ्लोर की पार्किंग होती है। खैर अभी मैं शॉपिंग सेंटर पहुंच गया हूं, मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई तुम्हारा भाई पार्किंग में अपनी उड़नचू लगा के, ये देख लो माउंट वगैरह सब छोड़ के जा रहा है। इसी में माउनों का माइक भी लगा रखा है मैंने, कहीं ना कहीं ये तार है माउनों के माइक की, ये भी छोड़ के जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, कुछ ना हो तो ही बढ़िया भाई, नहीं तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। तो फाइनली बाइक पार्क करके हम लोग जा रहे हैं जूडियो के स्टोर के अंदर, जो कि मेरी फ्रेंड पहले से आ गई है और आग को खुला है। 3, 2, 1 टेंटन। जाते सबसे पहले तुम्हारे भाई ने इस जैकेट पे हाथ मारा जो कि बहुत सही लग रही है, उसके बाद ये टूटी ट्राई करी बहुत प्यारी लग रही थी, इसको मैंने दोबारा शूट करा कि भाई एक बार और मेरे को पहन के ट्राई करने की, इसको मैंने 2 बार ट्राई किया था। फिर तुम्हारे भाई को ये फ्लोरल शर्ट अच्छी लगी थी, वैसे शर्ट कम ये सर्दियों का यही है एक तरह से, बट बड़ी प्यारी लग रही थी वो, तो लास्ट में पता लगी जाएगा ना मैंने जाते जाते ट्राई करा, बहुत सही लग रहा था मुझे, अच्छा लग रहा था। हमारे भाई ने एक वाइट कलर की शर्ट ली जो कि सर्दियों में बहुत काम आती है, बहुत कूल लगती है, मतलब बढ़िया लगती है, क्लासिक लुक आ जाता है इसमें। मतलब इनमें से कोई भी आइटम 999 से ऊपर की नहीं है भाई, ये मैं तुम्हें सबसे बेस्ट बात बता देता हूँ। फिर इसी के साथ की एक शर्ट मैंने ग्रीन ले ली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रीन कलर अच्छा लगता है, तो मैंने ये ग्रीन और वाइट दोनों ट्राई किया था और दोनों में बहुत जच रहे थे, बहुत सही लग रहे थे। उसके बाद तुम्हारे भाई ने ये ट्राई की थी, और ये मेरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की है, तो उसने सोचा कि मैंने ये सोचा था कि एक बार मुझे भी दे दे, कभी कभी मैं भी पहन लूँगा, तो बट ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी। फिर तुम्हारे भाई ने डेनिम ट्राई करी थी, बहुत परफेक्ट थी, तो थोड़ा सा ये शर्ट्स की कलेक्शन 799 में, इसी के साथ कार्गो 699, कोई भी कलेक्शन 799, 899, 699, 999 से ऊपर कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको 999 के अंडर ही मिलेंगी। ये शूज़ की कलेक्शन 299, स्लीपर्स 199। भाई फाइनली ढेर सारा थैला भर के तुम्हारे भाई ने यहाँ से कर लिया शॉपिंग, अब चलते हैं घर की ओर, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई फाइनली ढेर सारी शॉपिंग करके अब तुम्हारा भाई जा रहा है अपने घर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जूडियो से लगभग मैंने 18-20 हज़ार की शॉपिंग करी है, जो मैंने खुद करी है, और 2.5-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग मुझे मेरी फ्रेंड ने कराई है, तो टोटल बनते हैं 22-23 हज़ार रुपये। 22-23 हज़ार रुपये में तुम्हारा भाई ऑलमोस्ट सारी सर्दियों का स्टॉक उठा के ले आया है, जिसमें कि अब मुझे शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें आपने वीडियो में देखी वो तो मैंने ली हैं, उसके अलावा दो जीन्स और एक शूज़ और मैंने ली थी, एक डेनिम ली थी जो कि मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि वो मैंने ट्रायल रूम में जाके ट्राई किया था, जिसका वीडियो बनाना भूल गया था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जूडियो इतना सस्ता है कि 20-22 हज़ार रुपये में आप पूरी सर्दी का स्टॉक ला के अपने घर पे रख सकते हो, जो कि आपको पूरी सर्दी दोबारा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें मैं सारे नए साल के न्यू ईयर कलेक्शन, जिसमें सारे के सारे बाहर घूमने के कलेक्शन ऑल मेरे कवर हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने शहर में जूडियो स्टोर देखना चाहते हो, तो भाई नियर बाई गूगल करके चले जाओ और अपनी भर के ढेर सारी शॉपिंग ले आओ, जबकि 15-20 हज़ार रुपये में किसी बड़े ब्रांड में घुसोगे, ज़ारा, H&M जैसे, तो 2-3 जैकेट ही आ पाएंगी, 4 जैकेट पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल टाटा, बाय बाय।